नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। इस एपिसोड में मैं आपको नैनीताल की कुछ जानकारियां दूंगा जो आपके ट्रिप के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। मैं नवीन देसवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रैवल इंडिया में। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम नैनीताल पहुंच कैसे सकते हैं। नैनीताल हम बाय वोल्वो भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो हम दिल्ली से काठगोदाम के लिए ट्रेन लेते हैं और उसके बाद फिर हम अपना आगे का ट्रिप वहाँ से लोकल गाड़ी लेके करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम दिल्ली से हल्द्वानी तक वोल्वो ले सकते हैं और फिर वहाँ से हम लोकल गाड़ी लेके हम अपना ट्रिप आगे तक फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे अभी समर वेकेशन है तो समर वेकेशन में नैनीताल ऊपर तक वोल्वो नहीं जाती है। अगर आप अगस्त फर्स्ट वीक से लेके फेब लास्ट तक, अगर इन मंथ के बीच में अगर आप नैनीताल विजिट कर रहे हैं तो आप दिल्ली डायरेक्ट बस ले सकते हैं हम नैनीताल के लिए, जो कि सीधा आपको नैनीताल तलीताल बस स्टैंड पर आपको ड्रॉप करेगी। तो अब आपका नैनीताल का ट्रिप स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो आप साइट सीन देखेंगे बस स्टैंड उतरते ही, वो है नैनी लेक। नैनी लेक जो कि मेन अट्रैक्शन है नैनीताल का, और आप जैसे ही नैनी लेक पे आगे बढ़ेंगे वैसे ही आपको सबसे पहला जो अट्रैक्शन मिलेगा वो होगा बोट हाउस, जहां से बोट आप रेंट पे लेके लेक में बोटिंग कर सकते हैं। और काफ़ी आपको मतलब अच्छा व्यू मिलेगा, पूरा आपको मतलब अलग सा एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आपको नैना देवी टेम्पल आप विज़िट कर सकते हैं। नैना देवी टेम्पल नैनी लेक के किनारे पे ही बना हुआ है। आप नैनी टेम्पल बाय वॉक भी जा सकते हैं और बाय बोट भी जा सकते हैं। तो ये था नैनी टेम्पल। आप नैनी टेम्पल के बाद हम जो नेक्स्ट जो साइट सीन आप नैनीताल में कर सकते हैं वो है नैनीताल जू। नैनीताल जू बेसिकली काफ़ी हाइट पे बना हुआ है और पूरा उत्तराखंड में इतनी हाइट पे आपको कोई भी जू नहीं मिलेगा। जो ये आप पिक्स देख रहे हैं ये मैंने खुद क्लिक किए हैं आप सबके लिए, जो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। और आप सब देख रहे हैं ये नैनीताल जू। जो नैनीताल जू के लिए जो रास्ता जाता है वो बोट हाउस के पास से ही जाता है। आप जू के लिए आप बाई वॉक भी जा सकते हैं और बेसिकली वहीं बोट हाउस के पास से ही टाटा सुमो भी जाती हैं, जो आपको करीब करीब 1.5 किलोमीटर तक ऊपर तक लेके ड्रॉप कर देते हैं गेट के पास आपको जू के लिए, जो कि 15 या 20 रुपीस की टिकट लगती है। अगर आप बाय वॉक विज़िट कर रहे हैं तो बोट हाउस से जू के गेट तक आपको पहुंचने में करीब करीब 15 to 20 मिनट्स लगेंगे। और मैं आपको बता दूँ कि ये जू काफ़ी हाइट पर बना हुआ है और आपको काफ़ी वॉक करना होगा जू के अंदर जाने के बाद भी। और वहीं जू के गेट पे आपको फूड आउटलेट भी मिलेगा, जो कि आप जू विज़िट करने के बाद अच्छे भोजन का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना साइट सीन रहेगा वो है इको केव पार्क। इको केव पार्क में आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट केव्स विज़िट करने को मिलेंगी, जो कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं नेक्स्ट जो आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट साइट सीन जो होगा आपका, आप रोप वे भी विज़िट कर सकते हो नैनीताल में, जो कि आपको सीधा हिल व्यू, बेसिकली हिल व्यू एक पॉइंट है जहाँ आप हिमालय के व्यूज़ देख सकते हो। वहाँ स्नो व्यूज़ आपको दिखेंगे, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं स्नो व्यू पॉइंट है। यहाँ आप ऊपर चढ़ के स्नो व्यू देख सकते हैं। ये पिक्चर्स बेसिकली मैंने जैन में विज़िट किया था नैनीताल, तो जबकि हैं तो वहाँ उस टाइम थोड़ा सा स्नोफॉल था स्नो व्यू पॉइंट पे। वापसी में आप बाय रोड आ सकते हो, वहाँ से व्हीकल आपको इजीली मिल जाएंगे। आते हुए आप तिब्बतन मार्केट विज़िट कीजिएगा, जहाँ आपको काफ़ी अच्छे क्लोथ्स, जैसे कि मैं दिल्ली का एग्जांपल दूँ तो जैसे सरोजनी मार्केट, कमला नगर मार्केट, ऐसी मार्केट हैं जो थोड़े से वहाँ की स्पेशलिटीज़ के भी आपको मिलेंगे कपड़े। फूडिंग आप इंजॉय कर सकते हो मॉल रोड पे, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। मैं ये सलाह दूंगा कि आपको नाइट में आप मॉल रोड विज़िट करो, जो कि लाइटिंग और उससे काफ़ी अच्छा लगता है।
तो दोस्तों जो साइट सीन मैंने आप सबको बताए हैं, ये साइट सीन आप 2 दिन में इजीली कवर कर सकते हो, क्योंकि पहले दिन हम रात को ट्रैवलिंग करते हैं। आप ट्रेन से जाओ या वोल्वो से जाओ, आपको नाइट ट्रैवलिंग करनी ही पड़ेगी। तो हम ये समझेंगे कि पहला दिन तो हम थोड़ा रिलैक्स के लिए रखेंगे अपने लिए, और नेक्स्ट डे इजीली आप ये सारे साइट सीन एक दिन में ही कवर कर सकते हो। और मैं बाइक लवर्स को ये भी बताऊंगा कि आप नैनीताल में जैसे मनाली हम बाइक ले सकते हैं रेंट पे, ऐसे ही नैनीताल भी आप इजीली रेंट पे बाइक ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।